यहाँ पे देखो हमारे माफिया गैंगस्टर टोन यूनिवर्सिटी की एंट्री होती हुई। तो गाइस मेरा नाम है टोन यूनिवर्सिटी, मेरा मतलब जो गेम के अंदर एक कैरेक्टर ये है टोन यूनिवर्सिटी, और आज हम खेलने जा रहे हैं GTA Vice City। तो अभी देखो टोन यूनिवर्सिटी पे किसी का फोन आ रहा है, तो हम लोग उठा लेते हैं इस फोन को, हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। तो अभी देखो ये बिजनेसमैन को थैंक यू बोल रहा है क्योंकि मैंने इसको पिछले मिशन को कंप्लीट किया था, और साथ ही मैं ये बिजनेसमैन टोन यूनिवर्सिटी को बुला रहा है क्योंकि इसको डील करनी है, तो इसको हेल्प चाहिए होगी टोन यूनिवर्सिटी की। तो आओ तो फिर देर किस बात की, चलते हैं जहाँ पे बुलाया इसने। तो भाई इस रास्ते से मैं पहली बार जा रहा हूँ क्योंकि ये जो रास्ता है ये पहले बंद था। जैसे जैसे मैं मिशन कंप्लीट करते जा रहा हूँ वैसे ही आगे के रास्ते खुलते जा रहे हैं। पहले के जो मिशन थे वो वॉशिंगटन बीच या फिर वर्सिटी पॉइंट के आसपास ही होते थे। तो अब हमारा स्टारफिश आइलैंड ओपन हो चुका है, तो अब ज्यादातर मिशन यहीं पे हुए करेंगे। तो अब देखो टोन यूनिवर्सिटी इस बंगलो के अंदर घुस गया क्योंकि जिसने टोन यूनिवर्सिटी को फोन किया था उसी बंदे ने टोमी को यहीं पे आने के लिए कहा था। तो अब चलो इस बंगलो के अंदर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिशन मिलने वाला है हमें, क्या बातें होंगी इनके बीच में। वैसे कहीं बंगला तो काफी ज्यादा बड़ा है, पता नहीं इसके अंदर कौन रहता होगा। यहाँ पे देखो हमारे माफिया गैंगस्टर टोन यूनिवर्सिटी की एंट्री होती हुई। ये पता नहीं इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो आज से हम इनका नाम रखते थे अंकल कोसरो। कितना गुस्सा भाई, टूटे हुए टीवी को और तोड़ रहा है। यू डू अ गुड जॉब। तो भाई यहाँ पे देखो अंकल कोसरोफ टोन यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए काम करेगा, लेकिन यहाँ पे टोन यूनिवर्सिटी कह रहा है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ, मैं किसी के लिए काम ही नहीं करता। टोनी भी अब कोई छोटा मोटा बंदा थोड़ी है भाई, अपना अपना एटीट्यूड है। But stealing 3% is as good as stealing 100%. चलो फाइनली हमें मिशन मिल गया, अब आगे पता नहीं क्या करना होगा। तो चलते हैं अपनी बाइक उठाकर। पहले तो वो अंकल कोसरोफ टोन यूनिवर्सिटी को बहुत हल्के मिल रहा था, लेकिन जब टोन यूनिवर्सिटी ने जवाब देने शुरू करे तब जाके माना भाई वो मिशन देने के लिए। अबे टॉमी कैसे गिर गया भाई बाइक से, बाइक छोड़ते अब गाड़ी ले लेते हैं, इससे तो गिरते रहेंगे बार बार। तो भाई इस गाड़ी लेके हम आ गए मिशन की तरफ, आगे देखते हैं क्या करना होगा हमें। अब ये पता नहीं क्या करना है, वाई लुक थ्रो दिस विंडो। जल्दी से गाड़ी से उतर के देखते हैं कि इस विंडो के अंदर क्या देखना है हमको। तो यहाँ पे देखो सामने एक बंदा खड़ा हमको देख रहा है, जल्दी से पकड़ना पड़ेगा इसको, कभी भागना जाए। बंदा ऊपर की तरफ भागे, जल्दी से भागना पड़ेगा हमको। वो ऊपर आती है भाई, इसने गोली चला दी। लूजर लूजर बोल रहा है भाई तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा भाई तू अभी, अभी से जल्दी से भाग भाग के पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस रुको, मेरे मन में एक डाउट है कि मैं इसे पकड़ तो रहा हूं, लेकिन पकड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि कोसरोफ ने इसको मारने के लिए मना किया था, तो अब मैं सिर्फ इसको फॉलो कर रहा हूं, इसके पीछे पीछे भाग रहा हूं। टू स्लो ग्रैंडडैड। वो भाई मेरे सामने भाई ड्रम फोड़ दी इसने, आग लगा दी भाई। यहाँ पे देखो ये बंदा मेरे से भाग के नीचे कूद गया, जल्दी से इसका पीछा करते हैं, इसके पास गन भी और मेरी हेल्थ भी कम हो गई। यहाँ पे स्कूटी खड़ी है, इसको लेके चलते हैं इसके पीछे। भाई अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ भाई, सबसे बड़ा मिशन है अभी हमारे सामने है, क्योंकि ये बंदा सामने गाड़ी में जा रहा है और इसके पास गन भी है, तो हम पे गोली चला रही है। अब हमें इसकी गोली से बच के और इसके पीछे पीछे फॉलो करना होगा इसको, तो इसलिए स्कूटर को मैं कटा कटा के चला रहा हूँ ताकि मेरे गोली ना लगे। इतनी दूर तक इसका पीछा करने के बाद भाई फाइनली ये जहाँ पे जा रहा था इसके पीछे हम आ गए हैं। अब आगे देखो ये क्या करता है, यहाँ पे हम इस बंदे का फॉलो कर रहे थे, अब ये पता नहीं इस बंगले के अंदर चला गया। अबे ये क्या हुआ, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया और हम लोगों को पता ही नहीं चला। पर चलो कोई नहीं, टोन यूनिवर्सिटी तो पैसों के लिए काम करता है, काम हो या न हो पैसों तो मिल गए भाई हमारे। भाई इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आगे काफी ज्यादा मिशन जो मिलने वाले हैं हमें वो अंकल कोसरोफ देने वाले हैं, तो आगे वीडियोस में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।